महोदय समस्त विद्वान व्यक्तित्व तो मौजूद हैं। सर्वप्रथम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमें ज्ञान की देवी सरस्वती को याद करते हुए उनके सम्मुख दीप प्रज्वलन करना हमारी परंपरा और रीति रिवाज का हिस्सा है। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए समस्त मुख्य अतिथि महोदय के साथ सहयोगी जनों को भी आमंत्रित करता हूँ। साथ ही मैं इस कैंपस को नई उन्नति की ओर अग्रसर करने वाले डायरेक्टर महोदय तथा डीएसडब्ल्यू महोदय को भी आमंत्रित करता हूँ कि वे माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को आगे शुरू करेंगे। और साथ ही दीप प्रज्वलन मंत्र के लिए मैं बीएड विभाग से हमारे प्राध्यापक साथी बिजलवान जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य अतिथि महोदय सिंह व साथी। माँ सरस्वती तो यहाँ माँ सरस्वती के पुत्र जिन्हें बोलते हैं संगीतज्ञ, वो संगीतज्ञ मंडली यहाँ मौजूद है जिनका अलंकरण छात्र संघ के सदस्य करेंगे। हमारे बीच में बारामासा म्यूजिकल ग्रुप के कुछ सदस्य मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पर हैं श्री रवि कुमार जी, तो रवि कुमार जी नादवेद गंधर्वालाये संगीत अकादमी पिथौरागढ़ के फाउंडर और डायरेक्टर हैं तथा युवा शास्त्रीय संगीतकार जिनकी शास्त्रीय उप शास्त्रीय और कुमाऊनी लोक संगीत तीनों संगीतों में गहरी बैठ है। ये हमारे बीच में उपस्थित है जिनकी प्रतिभा आकाशवाणी प्रसार भारती ने मान्यता प्राप्त की है। इसके अलावा विपिन पड़ जी हमारे ढोलक पर उपस्थित हैं, तबला पर हैं राहुल तिवारी जी और हुड़का संगीत अमित कुमार जी और प्रियांशु राज। तो मैं सभी छात्र संघ के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनका भी बैच अलंकरण कर उनको सम्मानित करने का कष्ट करेंगे और तैयार रहेंगे इसके बाद सरस्वती वंदना के लिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें ताकि आने वाले समय में और इनका उत्साह दुगना हो। स्वागत गीत के उपरांत में मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं तथा हमारे निदेशक महोदय तथा डीएसडब्ल्यू महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ शॉल तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे और आप सभी लोग हम सभी लोग उनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं कृपया। मुख्य अतिथि महोदय मंच पर बधा रहे हैं। धरती पर जन्म लेती हैं तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वार्षिक आज्ञा के लिए मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आप सभी के सम्मुख हमारे कैंपस की वार्षिक आज्ञा रखेंगे। धन्यवाद। I from the deepest core of my heart welcome the chief guest faculty professor Indu Joshi ma'am, campus director DSW. किसी भी
मुख्य अतिथि महोदय के साथ तथा विशिष्ट अतिथि महोदय के साथ पहुंचे हैं, उन सभी का भी बैच अलग कर स्वागत एवं अभिनंदन करें करने का कष्ट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब उनकी अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से हमारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। इनकी रात दिन की मेहनत और इस मेहनत को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो पानी से नहाता है वो केवल निवास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल निवास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इन बच्चों की मेहनत को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का स्वर्णिम काल आने वाला है, और साथ ही में इन्हें तैयार कर रहे हमारे म्यूजिक विभाग के प्राध्यापक साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित हैं एडवोकेट श्री महेंद्र सिंह लुंडी जी, जो कि वक्ता हैं कांग्रेस के। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और अपने मनमोहक शब्दों के साथ हम सभी को मोहित करने के लिए मंच पर पधारे और दो मिनट के लिए संबोधन आप सबके सम्मुख होगा। हम उनकी नेतृत्व क्षमता और कार्य कुशलता को जानते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर। मैं सर को प्रतीक चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू, जो कि इस कैंपस को अपनी पहली निगाह हमेशा रखते हैं, डीएसडब्ल्यू महोदय। मैं आमंत्रित करता हूँ कि प्रतीक चिन्ह देकर आप हमारे बीच में पहुँचे विशिष्ट अतिथि महोदय जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे डीएसडब्ल्यू महोदय। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि आज जिस मुकाम पर, जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, इससे पूर्व छात्र नेता जो रहे हैं और इसके साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका अमूल्य योगदान है, इसीलिए हम लोग इस कैंपस में आज खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हिंदी विभाग से अनीसा एवं साथी, जो कि आप सबके सम्मुख भ्रमर गीत को प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियां इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण से सीखने को वैसे तो लाखों बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस किरदार में भी उन्हें डाला गया उस किरदार को भरपूर जिए और ऐसे जिए। जब बचपन श्री कृष्ण जिए तो आज हमेशा कोई भी माँ कहती है कि मेरा कान्हा करके अपने बच्चे को बोलती है, और जब जवानी जिए तो ऐसे जिए कि आज भी किसी भी व्यक्ति को कन्हैया की संज्ञा दी जाती है। और जब श्री कृष्ण राजनीति करने पे उतरते हैं तो अकेले पूरी कौरव सेना का तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण है उसकी महिमा का वर्णन जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया, बच्चों ने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी। और एक बार और बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में मौजूद हैं प्रदेश मीडिया के कोऑर्डिनेटर श्री मुकेश चंद्र पंत जी। हमारे बीच में मुकेश पंत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आकर हम सबके सम्मुख अपनी ओजस्वी वाणी से दो शब्द हमारे बीच में रखें और हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जिस प्रकार से जिन कठिनाइयों को उन्होंने किया है तथा महाविद्यालय से निकलकर आगे की राजनीति को वे फेस कर रहे हैं, उन सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मुकेश चंद्र पंत जी। धन्यवाद।
संचालक महोदय शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं कृपया, तालियों में कंजूसी ना करें। मैं श्री मुकेश चंद्र पंत जी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए हमारे डीएसडब्ल्यू महोदय को आमंत्रित करता हूं मंच पर। श्री मुकेश चंद्र पंत जी को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करने का कष्ट करेंगे आदरणीय श्री डीएसडब्ल्यू महोदय। पूरे विश्व के सामने प्रचारित करने का कार्य करते हैं। मैं इनके बैच अलंकरण के लिए नितिन उप्रेती जी को बुलाना चाहता हूं कि नितिन उप्रेती जिनका डोला कर उनको बुलाना चाहूंगा। साथ ही पीछे कुछ टेबलों के ऊपर बैठे लड़के दिख रहे हैं, कृपया वे यथास्थान नीचे कुर्सियां लगी पड़ी हैं नीचे बैठ जाएं, क्योंकि ये स्थान आपके बैठने के लिए नहीं है, आपके बैठने के लिए नीचे स्थान है। तो कृपया कृपा करके एक शांति व्यवस्था के साथ, अनुशासन के साथ आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही अनावश्यक व्यवधान ना हो इसके लिए जिनका भी कार्यक्रम है कृपया वे अपना म्यूजिक सिस्टम जो है तैयार रखें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सैन्य विभाग मानसी एवं साथी जिस प्रति माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा युवाओं का आह्वान किया गया है। मैं खुद भी यह मानता हूं कि युवा अपने आप में एक जोश होता है। यदि युवा शब्दों को हम उल्टा लिखना शुरू करते हैं तो वो युवा जिस प्रकार से हवा चलती है किसी भी दिशा में चलती है, अगर सही दिशा में चले तो पंचक्की से ऊर्जा पैदा होती है। यदि वही हवा गलत दिशा में चले तो अंधड़ का रूप धारण कर विध्वंसक बन जाती है। अब मैं माननीय महोदय का आभार एवं धन्यवाद अदा करने के लिए माननीय हमारे मार्गदर्शक व्यवहार कुशल कर्तव्यनिष्ठ माननीय निदेशक महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आभार एवं धन्यवाद अदा करेंगे। माननीय निदेशक महोदय धन्यवाद। दशहरा जी लक्ष्मण से मार परिसर पिथौरागढ़ के व्यवहार कुशल कर्तव्यनिष्ठ माननीय निदेशक महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आभार एवं धन्यवाद अदा करेंगे। माननीय निदेशक महोदय धन्यवाद। दशहरा जी लक्ष्मण सिंह महल परिसर पिथौरागढ़ के आज के इस वार्षिक समारोह में हमारे बीच मंचा सेन मुख्य अतिथि सेनानी जी के पोते हैं। और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित हेमंत गुरु महाराज जी। आपसे ही शान उससे ही पहचान देखी है, आपसे ही शान आपसे ही पहचान देखी है। निष्ठा और समर्पण की दास्तान देखी है, निष्ठा और समर्पण की दास्तान देखी है। आपके प्रयासों से ही हमने इस संस्था की जमीन से आसमान तक की उड़ान देखी है, आपके प्रयासों से ही हमने इस संस्था की जमीन से आसमान तक की उड़ान देखी है। मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।